एक बार भोलेनाथ जी कहीं से जा रहे थे, तो उन्होंने एक स्थान को खाली जगह थी उसको प्रणाम किया। तो पार्वती जी को लगा कि ये तो खाली जगह, आप प्रणाम क्यों कर रहे हो? तो भोलेनाथ जी ने कहा कि मैं प्रणाम इसलिए कर रहा हूँ, ये 1000 साल पहले भगवान की कथा हुई थी, इसलिए ये भूमि धन्य, मैं प्रणाम कर रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा अच्छा। फिर थोड़े और आगे बढ़े, फिर एक खाली जगह थी, भोलेनाथ जी ने फिर प्रणाम किया। तो माता पार्वती ने पूछा अच्छा यहाँ भी 1000 साल पहले कथा हुई थी? बोले नहीं, यहाँ कथा हुई नहीं थी, यहाँ 1000 साल बाद कथा होने वाली है, इसलिए इस भूमि को प्रणाम कर रहा हूँ। यानी होना कहाँ है, ये 1000ों वर्ष पहले तय हो चुका है, दिखता हमें बाद में, कि संसारी है ना, थोड़ी पता होता है कि आगे क्या होने वाला है। और जहां तक बात रही धर्म की, तो जो सनातन नहीं मिटा कंस की ललकार से, जो सनातन नहीं मिटा रावण की हुंकार से, वो सनातन क्या मिटेगा आजकल इन छोटी मोटी सरकार से। तो एक बड़ी प्यारी कथा है, कथा क्या कहानी है, पर आज की संदर्भ में, आज की इस परिस्थिति में एकदम फिट बैठती है। एक बार क्या हुआ, कुछ मेढक को गुजराती में क्या बोलते, डेढ़ को। अच्छा, तो डेढ़कों का एक ग्रुप कहीं पहाड़ पे चढ़ रहा था। देखो ये पूरी कथा आपको पता है, मैंने यहाँ इस एरिया में बहुत कथाएं भगवत गान गाए हैं, तो मैं कथा में आधी गुजराती सीखती हूँ और आधी ब्रजभाषा सिखाती हूँ, तो एक्सचेंज चलता है, आप मुझे गुजराती सिखाओ, मैं थोड़े थोड़े आपको ब्रजवासी एक दो ठेठ जो ब्रज की भाषा है वो सिखाऊंगी। तो डेढ़को का एक ग्रुप ऊपर पहाड़ पे चढ़ रहा था। तो गुरुजी ये मेरी पसंदीदा कथाओं में से एक है और इसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। तो जब वो सारे के सारे ऊपर चढ़ रहे थे, तो चढ़ते चढ़ते उसमें से कोई नीचे लुढ़क जाता, कोई जरा सा चढ़ता फिर फिसल जाता, क्योंकि बहुत स्लिपरी था। उस पूरे ग्रुप में एक डेढ़ को ऐसा था, वो चढ़ा जा रहा था ऊपर 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 ऊपर, चढ़ता जा रहा है। तो जो नीचे वाले उसके जो फ्रेंड्स खड़े हैं, वो उसको उछल उछल के चिल्ला चिल्ला के कह रहे, मत चढ़, तू गिर जाएगा, तेरे हाथ पांव टूट जाएंगे, वापस आ जा, उतर जा। वो चिल्ला रहे हैं उछल उछल के। वो चढ़ता गया। और एक समय आया जब वो पहाड़ की एकदम जो लास्ट पीक पॉइंट था वहां चढ़ गया। अब वो चढ़ा कैसे जानते हो? मालूम है कैसे चढ़ा, क्यों चढ़ा? वो इसलिए चढ़ा क्योंकि वो मेढक, वो डेढ़ को कान से बहरा था, उसे सुनाई नहीं देता था। तो जब वो चढ़ रहा था पहाड़ पर और जो नीचे वाले उछल उछल के चिल्ला रहे थे, मत चढ़ गिर जाएगा, तो उसको लगा कि ये सब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा रहे हैं, मुझे चीयर्स कर रहे हैं, चढ़ जा, हम तेरे साथ हैं, नेताजी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। तो उसे लगा मुझे चढ़ा रहे हैं, बिल्कुल एकदम उत्साह भर रहे, चढ़ जा, और वो चढ़ गया। जीवन में कभी भी किसी को कुछ भी करना हो, ये कहानी मुझे लगता है उसके लिए सबसे अच्छी है। कुछ अच्छा करना हो तो बहरे बन जा, मुझे सुनाई नहीं देता, मुझे दिखाई नहीं देता, और मैं चढ़ूंगा, जितना तुम कहोगे मत चढ़ गिर जाओगे, मैं उतना ही चढ़ूंगा, क्योंकि मुझे लगेगा ये चढ़ा रहे हैं, ये मुझे ऊपर चढ़ा रहे हैं कि और आगे बढ़, हम तेरे साथ, हम तुम्हारे साथ। कान खोल के सुनने लगे तो गड़बड़ हो जाएगा, उत्साह खत्म हो जाएगा, अरे
हम तो धर्म का काम कर रहे हैं, हम तो अच्छा काम कर रहे हैं, फिर भी ये। लेकिन सच का है वहां पर, ये बात झूठी नहीं है, ये एकदम सच्ची बात है। कोई तुम पर पत्थर फेंके, इकट्ठा करता जाओ और उसका ब्रिज बना करके उससे आगे बढ़ते जाओ। और ये मैं केवल ऐसे ही, मुझे पता है आजकल होता है बड़ी कहानियां लोग जोश भरने के लिए बोल देते हैं, मैं सिर्फ कहने के लिए नहीं कह रही, मैंने जीवन में इसको बहुत अपनाया और मुझे उससे बड़े परमानंद की प्राप्ति हुई, बड़ा परमानंद। केवल कहने वाली बात नहीं है, केवल जोश भरने वाली बात नहीं, मैंने खुद अपनाया है, अनुभव किया है, मेरा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैंने इसको आप तक पहुंचाया। जीवन में हर किसी के परिवार में भी ऐसा बहुत होता है, आप कुछ करना चाहते हैं, कोई दूसरा कुछ, तो भी यही सोचते जाओ कि कान बंद और पढ़ते जाओ। धर्म के मार्ग पर, भक्ति के मार्ग पर, जो भी आपका रास्ता है, बस आगे चलते जाओ।